नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महत। उत्तराखंड में खाद्य विभाग के एक विवादित पत्र की वजह से कांग्रेस को बैठे बिठाए ही मुद्दा मिल गया है। दरअसल मामला खाद्य मंत्री रेखा आर्य के एक विवादित पत्र के वायरल होने की वजह से हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में अपने सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निमंत्रण दे डाला। ये मामला तब सामने आया है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के चलते सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी पर ना जाने को कहा है, यानी कि उनकी सभी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं और उनको नियुक्ति स्थल पर ही रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो खाद्य विभाग की जो मंत्री है रेखा आर्य, वो अपने एक निजी कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड से बाहर अधिकारियों और कर्मचारियों को निमंत्रण दे रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री धामी को एक पत्र लिखकर एक ऐसे मामले की जानकारी दी है जो वाकई काफी चौंकाने वाला है। मामला सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा है। दरअसल रेखा आर्य का एक निजी कार्यक्रम को लेकर बरेली दौरा है, जिसमें एक धार्मिक कार्यक्रम में वे शामिल होने जा रही है। लेकिन विवाद उस चिट्ठी से शुरू हुआ जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को उत्तराखंड से बाहर बरेली में होने वाले इस निजी कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बकायदा पत्र लिखा गया है। खाद्य विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती की तरफ से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि खाद्य मंत्री के कार्यालय द्वारा जानकारी देने के बाद यह पत्र जारी किया जा रहा है। इसमें 4 अगस्त से 9 अगस्त तक श्री बाबा बनखंडी नाथ और आदरणीय परम गुरु श्री हरि गिरिजी महाराज राष्ट्रीय महामंत्री जूना अखाड़ा की कृपा से बाबा बनखंडी नाथ मंदिर जोगी नवादा बरेली में 108 शिवलिंग और मां बगला मुखी माता की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंत्री के कार्यालय की तरफ से निमंत्रण पत्र के जरिए खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं पत्र जारी होते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उनके उन निर्देशों की याद दिलाई है, जिसमें मानसून के दौरान कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल की गई है। वहीं इस मामले पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य विवादित बयान देते हुए कहती हैं कि मैंने किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर निमंत्रण नहीं दिया है, जिसको आना है वह अपनी मर्जी से आ सकता है। हालांकि वह कहती हैं कि वह पता करेंगी कि यह पत्र किस स्तर पर लिखा गया है। देखिए, रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा है, आप सब भी आमंत्रित है, तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पर छोड़ते हैं। जाने कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुँचते हैं और कितने लोग नहीं पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है, और जो इस छोटी मानसिकता का प्रतीक आज के परिवेश में वो ये दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो करण मेहरा कहाँ थे जो जिस समय जो है एक निजी कार्यक्रम में वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम कर रहे थे अपनी सुपुत्री का, तो उसमें उनकी विचारधारा कहाँ गई। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा निमंत्रण सबको है, और रही बात आप जिस भाषा शैली का आप कह रहे हैं उस भाषा शैली का जवाब आप संबंधित से पूछेंगे तो बेहतर होगा। विवाद इस बात पर है कि विभाग के अधिकारी द्वारा इस निमंत्रण को सरकारी पत्र के रूप में लिखा जा रहा है। इस मामले में करण महारा कहते हैं कि रेखा आर्य जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रही है वह किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। करण महारा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी उन बातों को याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने मानसून के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति स्थल पर रहने की बात कही थी। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ना ही उनके पास ये पत्र पहुंचा है और ना ही इस मामले पर उन्हें कोई संज्ञान मिला है। जब तक उनको इस मामले पर संज्ञान नहीं मिल जाता वो इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको ये भी बता दें कि खाद्य मंत्री रेखा आर्य वही मंत्री है जो लगातार अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विवादों
हाथों में चर्चाओं पर रहती है। अब देखना यह होगा कि आगे और इस मामले पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।